हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्यू। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 5 लाइव प्रोसेसेस के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेज नंबर 96 पे दिए गए इंटेक्स क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं ये आपको बताना है। In plants, water and minerals are transferred from the soil to the leaves by the xylem cells. तो प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल ट्रांसफर होते हैं सॉइल से लीव्स में xylem cells के द्वारा। Root cells obtain salts from the soil. This creates a difference in the concentration of soil and root salts due to which There is a constant movement of water in the xylem. तो soil से root cells salt को obtain करते हैं, जिसके कारण soil और root salts के concentration के बीच में एक difference create हो जाता है, और इसकी वजह से xylem के अंदर water का constant movement होता है। Due to transpiration, there is a continuous loss of water, and there is suction. Due to which the constant movement of water is maintained, thus water and minerals are transported. तो transpiration के कारण water आपका continuous loss होता है, जिसके कारण एक suction create हो जाता है। तो suction create होने के कारण water आपका continuously move होता रहता है, जिसकी help से water और mineral आपके transport होते हैं। तो plants के अंदर water और mineral किस तरीके से transport होते हैं? तो प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं सॉइल से लीव्स में जाइलम सेल्स के द्वारा। रूट सेल्स सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं सॉइल से, जिसके कारण सॉइल और रूट सॉल्ट के कंसंट्रेशन के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण जाइलम के अंदर वाटर का मूवमेंट शुरू हो जाता है। ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर आपका कंटिन्यूसली लॉस होता रहता है, जिसकी वजह से एक संक्शन क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण वाटर का जो मूवमेंट होता है वो आपका मेंटेन रहता है। इसी वजह से वाटर और मिनरल आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।